हॉकी स्टेडियम रता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डी ए खान में खड़ा हूँ। ये हमारे हॉकी स्टेडियम का जो ट्रफ है इसमें सैलाबी मिट्टी जो है बिल्कुल रच गई है, अंदर दाखिल हो गई और खुश्क भी हो गया है। और हमारे स्टेडियम के हर तरफ चारों तरफ सर ये पानी देख रहे हैं, ठीक है सर, वो सामने तकरीबन सर ये कोई 500-600 फुट के फासले पर रास्ता है ना, और इस दरमियान पानी खड़ा हुआ है। और मेरे राइट साइड पे स्टेडियम है और उस तरफ पानी और जंगल है ना। मेरे पास दूसरा एक्सेस नहीं है, अगर मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाता हूँ ना यहाँ तक आए और पानी इस पर मारे ना। और सेकेंडली सर वो हमारा ये सामने जो आपको छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है ये हमारा ट्यूबवेल है, ठीक है, जो जल चुका है ना। धोने के लिए सर आज हमने एक नया बोर करवाने के लिए बंदा बुलवाया है, मतलब हर तरफ पानी है, बोर के लिए भी तो उसको खुश्क जगह चाहिए ना। सिर्फ सूरत हाल बता रहा हूँ, फिर वी विल ट्राई अवर अटमोस्ट कि क्या होता है सर इंशाल्लाह। ये क्रिकेट स्टेडियम रतोपलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पानी डंप हो चुका है, और ये हमारे सर हमने पीटर लगा दिए हैं पानी एवेक्यूएट करने के लिए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बैक साइड पे क्रिकेट स्टेडियम के जो जंगल में पानी है जो बिल्डिंग को नुकसान दे रहा है उसको एवेक्यूएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेटिंग मशीन लगा दी है बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ, जो सीधा नहर में डालेगी सर। पानी डंप हुआ पड़ा है उसको हम निकाल रहे हैं आज, क्योंकि हमने दीवार पे सुराख करके चरिया मानी है। ये पानी आप देखिए, अगर आप साथ में इनको दिखा दे जाए तो ये पानी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। हमने एक्सीटर मशीन वो जो मशीन हैं वो भी लगी हुई है और साथ में हम ये भी निकाल रहे हैं। जो हो या ना खुद का वर्दा सब होला तेरा मार के थोड़ी मत कहीं कर ना।